ताकि आप सभी देख सकते हो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। 650 स्क्वायर फीट छत ढाई में टोटल कितना खर्चा आएगा, ठीक है। हमारा प्लॉट का साइज क्या है, 25x26 का हमारा प्लॉट है, ठीक है। 25x26 का प्लॉट है क्योंकि 25x26 का ही हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्या किया था, हाउस प्लान इसी चैनल पे अपलोड कर रहा है, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं 25x26 में किस तरीके से अपना लोग 2 BHK का हाउस प्लान बना सकते हैं। तो 25x26 का प्लॉट है, एक एक मटेरियल हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहला हमारा सीमेंट आता है, तो सीमेंट देख सकते हैं 79 बैग आपका क्या सीमेंट लगने वाला है, ठीक है। इसका यूनिट हमारा क्या है, बैग है 210 रुपए से 215 रुपए प्रति बैग आपको पड़ने वाला है। किसी भी ब्रांड का प्रीमियम क्वालिटी अगर लेते हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक का ले, ACC का ले, किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं सीमेंट, ठीक है। टॉप ब्रांड का लीजिए, बस इसका ध्यान रखें। और डेट देख के लेना है, डेट पुराना सीमेंट हमारा नहीं होना चाहिए। 32,390 रुपए आपको क्या सीमेंट में लग जाएगा। सीमेंट खरीदते टाइम हमेशा डेट देखना है, ठीक है। ब्रांड आप टॉप ब्रांड किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चले सेंड की ओर, तो सेंड देख सकते हैं हमारा 163 CFT हमारा सेंड लगने वाला है। M20 ग्रेड के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर M20 ग्रेड से अगर नीचे का आप लोग जाते हैं, जैसे एक बोरा अगर हम लोग सीमेंट दे रहे हैं, 1.5 बोरा हम लोग बालू दे रहे हैं, 3 बोरा हम लोग गिट्टी दे रहे हैं, ठीक है। तो M20 का मतलब ये होता है, अगर आप 1, 2, 4 का मसाला देते हैं या 1, 2, 4 का मसाला देते हैं, कोई भी अगर अलग अलग ग्रेड का आप लोग यूज कर रहे हैं, तो आपका सीमेंट का क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एग्रीगेट का क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या वही आपको लगने वाला। तो सीमेंट आपको ज्यादा मंगाना चाहिए, लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 60 रुपए पर CFT में सीमेंट पर, सॉरी सेंड पकड़ के चल रहा हूँ, 50 रुपए से 70 रुपए तक बिहार में चल रहा है सेंड का रेट, तो मैं 60 रुपए पर चल रहा हूँ, 9,780 रुपए आपको क्या लग जाएगा, सेंड में पैसा लग जाएगा। अगला चलते हैं एग्रीगेट की ओर, 326 CFT M20 ग्रेड के हिसाब से, इसके एग्जैक्ट मैं डबल लिया हूं, ठीक है, देख सकते हैं 326 CFT के आसपास एक गिट्टी लगेगा, जो हमारा 80 रुपए पर CFT, 80 रुपए मिनिमम आपको 80 रुपए CFT लगेगा ही। अगर नियर बाय में आपके अगर है पहाड़, वहां ब्लास्टिंग हो रहा है, वहां से ला रहे हैं, तो कुछ सस्ता पड़ सकता है, लेकिन मैं जा रहा हूं वहां अभी 80 चल रहा है, 90 भी कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं 70 भी मिल रहा है, तो मैं बीच का रेट 80 पर के चल रहा हूं। तो 26,080 रुपए आपको खर्चा किसमें आ जाएगा, एग्रीगेट में खर्चा आ जाएगा। स्टील की बात करें सरिया 660 kg मिनिमम, 650 मिनिमम लगना ही है। अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाइएगा तो फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन से जो आप लोग सरिया का लीजिएगा डिटेल, उस हिसाब से डालिएगा, तो सरिया आपका 1.5 गुना 2 गुना भी सरिया लगता है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल घर का ये बता रहा हूं, तो 660 kg के आसपास आपको सरिया लगेगा, जो हमारा केजी यूनिट है। और 78 रुपए टॉप ब्रांड का सरिया आपको मिल जाएगा, 78-79 रुपए kg, टाटा टिस्कॉन हो, JSW हो, जिंदल स्टील हो, किसी भी ब्रांड का आप सरिया ले सकते हैं। अगर आप लोकल ब्रांड लेने जाइए 70 रुपए, अगर कामधेनु वगैरह लेते हैं आप लोग, कामधेनु मुगिया, तो वो 67-66 रुपए प्रति केजी आपको मिलेगा। तो मैं टॉप ब्रांड स्टील का रेट लिया हूं, ठीक है। तो इसमें 51,480 रुपए खर्चा लग जाएगा आपको सरिया में। आगे चलिए लेबर की ओर बात करें, लेबर आपको 650 स्क्वायर फीट है पर स्क्वायर फीट, वो चार्ज लेगा 55 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको चार्ज लेगा लेबर का। लेबर में क्या क्या आ जाता है, शटरिंग वो करके देगा आपको, छर भी वही बांधेगा और ढलाई भी वही करेगा, तब 55 रुपए स्क्वायर फीट आपको देना है। कोई भी काम आपको नहीं करना है उसके बाद, जब 55 रुपए स्क्वायर फीट आप किसी को दे रहे हैं, तो उसके बाद कोई भी काम आपको नहीं करना है, पूरा 100% काम वो करके देगा 650 स्क्वायर फीट में, तब 35,770 रुपए आपको खर्चा लग जाएगा लेबर में, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉस्ट की बात करें, क्योंकि एक यहां गलती था इसीलिए ये मिस्टेक है, तो टोटल लग जाएगा 1,55,480 रुपए टोटल खर्चा आ जाएगा, ठीक है। पर स्क्वायर फीट की बात कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 239 रुपए पर स्क्वायर फीट, ठीक है, पर स्क्वायर फीट। छत ढलाई में 250 रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा आएगा। तो ये 650 स्क्वायर फीट का डिटेल्ड वीडियो था, क्या क्या क्वांटिटी कितना कितना लगेगा, साथ ही लेबर पेमेंट कितना आपको करना पड़ेगा 650 स्क्वायर फीट छत ढलाई में। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं तक रखेंगे, आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।